कोरोना कहर के बीच भारत चीन सीमा विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर एक बार फिर से चर्चे सियासत के गलियारों में हो रहे हैं। आपको बता दें, करीब एक साल का वक्त बीत चुका है राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हुए, लेकिन अब तक पार्टी ने ना तो राहुल को दोबारा पदभार संभालने के लिए मनाया है, ना ही कोई अन्य विकल्प तलाशा है। बीते 10 से 11 महीने से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को चला रही हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों में राहुल अपनी छवि से हटकर एक अलग छवि बनाने की कवायद में ज़रूर दिख रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपसे कांग्रेस के नए अध्यक्ष पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, बीते साल लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कांग्रेस को उसका खोया जनाधार वापस दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। 2 महीने 8 दिन के चुनाव प्रचार में 148 रैलियां की, बावजूद इसके देश भर में कांग्रेस महज 52 सीटों पर सिमट गई। हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। कड़े शब्दों में कहा कि पार्टी के लिए काम करूंगा, लेकिन अध्यक्ष के रूप में नहीं। राहुल के इस्तीफे के बाद नए अध्यक्ष के तौर पर कई नाम सामने आए, सचिन पायलट, मोतीलाल वोहरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। बावजूद इसके अंत में पार्टी की कमान सोनिया गांधी के हाथों में चली गई। सोनिया गांधी अपने पहले अध्यक्षीय कार्यकाल में सफल रहीं, लेकिन अब 73 साल की हो चुकी हैं, अस्वस्थ होने के चलते पार्टी को समय नहीं दे पा रही जितना अध्यक्ष के रूप में उन्हें देना चाहिए। अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस ने महाराष्ट्र झारखंड में सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी कूटनीति का शिकार हो गई और सत्ता कांग्रेस को गंवानी पड़ी। अब खबर आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद एक बार फिर से राहुल गांधी के हाथों में जाने के लिए तैयार है। आपको बता दें, कोरोना संकट, चीन सेना से हुई हिंसक झड़प ने राहुल को एक राजनीतिक अवसर दिया है, जिससे वो अपनी छवि संजीदा और संवेदनशील नेता की बना सके, वापस विपक्ष की राजनीति में केंद्रीय भूमिका में आ सके। कांग्रेस नेता भी इस बात को समझ रहे हैं। वो लगातार ये बात प्रचारित कर रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान को संभालें। आपको बता दें, CWC की हाल ही में हुई बैठक के दौरान राहुल को अध्यक्ष पद की कमान सौंपने का मुद्दा एक बार फिर से उठाया गया है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया है, राहुल को अध्यक्ष हम बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी इस बारे में कोई चर्चे नहीं हुए हैं। और अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर कांग्रेस पार्टी अंदर ही अंदर एक बार फिर से राहुल गांधी की ताजपोशी करने की तैयारी कर रही है। नेक्स्ट रिपीट SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।